मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ दिनों से ब्लैक पैंथर देखे जाने की खबर बार बार सामने आ रही है। एक बार फिर यहां विलुप्त प्रजाति का काला तेंदुआ दिखाई दिया है। वैसे तो कोरोना संक्रमण के कारण इन दिनों पर्यटकों के लिए पेंच टाइगर रिजर्व बंद है, परंतु सरकार की नई योजना के तहत वनों के पहलुओं को जानने के लिए बफर जोन योजना विकसित की गई है, जिसमें बफर एरिया में पर्यटक घूम सकते हैं एवं प्राकृतिक परिकल्पना को जान सकते हैं। इसी बीच बफर जोन में घूम रहे लोगों की नजर जब ब्लैक पैंथर पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया। ब्लैक पैंथर लोगों को पेड़ पर चढ़ा दिखाई दिया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पेंच टाइगर रिजर्व में ब्लैक पैंथर दिखाई दे रहा है। पिछले महीने जून में बफर क्षेत्र के खवासा रेंज में भी काला तेंदुआ नजर आया था, जिसका लोगों ने वीडियो बनाया था। यहां ब्लैक पैंथर को पर्यटकों ने और साथ ही मोगली लैंड पार्क के अधिकारी व कर्मचारियों ने भी देखा है। ये ब्लैक पैंथर 5 महीने का बताया जा रहा है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिवनी से रिपोर्ट।